क्या खाना बनाते हैं तो रिया जी को हम खिला दे रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है विजय रिया ब्लॉग्स में। और दोस्तों अभी शाम के अभी 4 बज रहे हैं और रिया जी अपना इधर बर्तन निकाल लिए, अपना बर्तन उर्तन निकाल लिए हैं अपना सफाई करने के लिए। वो हम जाएंगे कुआं, कुआं में जा करके ये अपना बर्तन को धोएंगे उएंगे। और दोस्तों थोड़ा सा जंगल गए थे तो इनको थोड़ा सा जख्म हो गया, देखिए आप सभी को दिखा रहे हैं दोस्तों हाथ में। तो ये जख्म के कारण भी जगह दर्द हो रहे हैं, तो वो पूरा हाथ दर्द कर रहे हैं इनके। तो अभी ये बोल रहे कि पानी उठा नहीं पाएंगे, तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आज हम ही पानी उठाते हैं। तो चलिए जी आप अपना बर्तन उर्तन उठाइए और हम अपना बाल्टी उठा लेते हैं। बाल्टी ले लिए हम अपना और रिया जी पीछे पीछे आ रहे हैं अपना बर्तन लेके, और हम लोग जा रहे हैं कुआं बर्तन धोने के लिए। और हम लोग पहुंच गए कुआं में दोस्तों, देखिए और रिया जी भी अपना बर्तन उर्तन रख लिए। और चलिए हम पानी उठाते हैं, अब उठा दीजिए पानी उठाना है रिया जी का। देखिए यहाँ आप लोग को दिखाई है जख्म हो गया और इसके दर्द से ये जो बाजू है ना वो पकड़ लिया दर्द के मारे, इसलिए रस्सी से नहीं खींचने सकते। बहुत नीचे में पानी है दोस्तों, सिंचाई हुई थी कल परसों इधर, इसके कारण भी नीचे हो गया, बहुत नीचे हो गया पानी। अब थोड़ा सा इधर ला दी, डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। बहुत नीचे कल सिंचाई हुई इसी कारण। तो दोस्तों रिया जी बर्तन मांज रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर अच्छे भी नहीं, अच्छे से भी नहीं मांजने सक रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दर्द कर रहा है, हाँ, रिया जी बोल रहे हैं हमको मांजने के लिए सच में। चलिए ठीक है मांझने क्या, जबकि अच्छे से मांझ भी नहीं सकते, दाना हाथ में ही लगा हुआ, दाना हाथ में ही मांझने पड़ते हैं, मांझने पड़ते हैं। अरे ठीक है चलिए हम मांझ देते हैं क्योंकि सेवा करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम तैयार हो जा रहे हैं बर्तन मांझने के लिए, अपना हांडी को मांझने के लिए। तो देखिए कितना काले डेज किए दोस्तों, फिर भी ऐसे हम मांझ लेते हैं रोज, इसे मांझते हैं जी, बहुत काला हो गए, लकड़ी से खाना बनाते हैं। बर्तन अब हो ही गया मंजावा, बस थोड़ा सा बाकी है धोने के लिए। और देखिए दोस्तों रिया जी यहाँ लेके आए हैं, लेके आ गए हैं अपना, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते दोस्तों हम लोग, लगा लेते हैं फिर हम लोग इसी में हम लोग खाना बनाएंगे। तो दोस्तों हो गए झाड़ू वाड़ू लगा लिए, रिया जी का हो गया झाड़ू वाड़ू लगाया हुआ और हम लकड़ी लेकर के आते। तो दोस्तों इधर ही झूरी है रिया जी के लिए, हम ले जा रहे हैं लकड़ी कि हम लोग के सामने में ही पहाड़ है दोस्तों, तो हम लोग को ये सूखा लकड़ी बहुत सारे मिल जाते हैं। इधर रख दे जी, और गिर गए हैं तो उस सब को भी लाते हैं। तो दोस्तों इधर लकड़ी ला के रख दिए, इतना समय हम लोग का बन जाएगा। और इधर रिया जी इधर आग जला रहे हैं, जैसे हम छोटा छोटा इसको कर लेंगे, छोटा छोटा इसको तोड़ रहे हैं लकड़ी को और फिर आग जलाएंगे रिया जी। तो दोस्तों बहुत लोग शाम के समय में अपना नाश्ता उश्ता बनाते हैं, तो हम लोग बना नहीं पाते हैं नाश्ता उश्ता, तो ही हम लोग अभी रिया जी चाय बनाएंगे। और देखिए हम लोग किस में चाय बनाने वाले हैं दोस्तों, कढ़ाई में रिया जी आग जला रहे, देखिए जला रहे प्लास्टिक, देखते हैं जलेगा। कढ़ाई में लोटा में लेके आए पानी, गिलास है, चाय पत्ती है, चीनी है, कौन सा चाय पत्ती किधर है, चाय पत्ती खत्म है जी, नहीं है थोड़ा सा तो है, हो जाएंगे इतना में, ताज़ा है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ताज़ा कंपनी का है। और ये चीनी है, ये अच्छा रहता है, पुटली में रियाजी रखे हैं, कितना चीनी है जी इसमें, इसमें उस दिन लाए थे वाला बच्चा है वो, हम शिवरात्रि के दिन हम चीनी ला दिए थे रिया जी को, तो ही वाला बच्चा 250 लेके आए थे दोस्तों हम। लकड़ी पूरा सूखा हुआ है, अच्छे से जल रहा, पूरा अच्छा से जल रहा, देखिए पूरा सूखा हुआ लकड़ी है दोस्तों। और देखिए रिया जी अपना तैयारी कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं, भूख भी लग गए। तो दोस्तों रिया जी कढ़ाई चढ़ा दिए हैं चूल्हा के ऊपर में और पानी भी डाल दिए हैं, और कितना प्यारा आग जल रहा है, कितना अच्छे से जल रहे हैं। और ऐसे भी चूल्हा के चूल्हे से बनाए हुए कोई भी चीज़ काफ़ी टेस्टी बनते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। देखिए रिया जी कैसे चाय बना रहे हैं, तो पानी पूरा हम लोग का खोल गए हैं देखिए, और रिया जी इसमें चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल दिए, सुंदर लग रहे हैं और आग कितना अच्छा जल रहा है।
देखिए अब चाय पत्ती डाल रहे हैं। अब इसमें चाय पत्ती डाल दी। देखिए चाय पत्ती भी डाल दिए दोस्तों, हम लोग का चाय पत्ती भी खत्म हो गया। देख लीजिए थोड़ा सा चाय पत्ती था ही, खत्म हो गया अभी के लिए, हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग का चाय कैसा खोल रहा है, और कलर देखिए, कलर तो ये चाय का अच्छा, ये सादा वाला चाय है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए हमारा चाय का कैसे बन गया, हमारा चाय बन गए जी। हाँ, बन गए, पूरा खोल गए अच्छे से। तो दोस्तों हमारा चाय बन गए, और रिया जी उतार रहे हैं चाय को, इधर कपड़ा लेके उतार रहे हैं, तो फिर जल जाएंगे। चुप। देखिए चाय उतर गए रिया जी के, बन गए अच्छे से चाय। देखिए हमारा चाय, रिया जी चाय उतार दी है देखिए, और चाय डांटी से दोनों गिलास में डाल दी, करछुल बोलते हैं इसको, करछुल से दोनों गिलास में देखिए डाल। आप लोग भी इसी में से पी लीजिएगा दोस्तों, जिनको जिनको पीना रहेगा, जिनको जिनको पीना रहेगा। रिया जी भी बोल रहे हैं, और किसी को अगर पसंद नहीं आए तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग चाय पी लेते हैं, और कुछ काम है तो वो करेंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोग अपना चाय निकाल लिए हैं, और एक बटर गोल्ड बिस्किट भी लाए हैं, और इन्हीं में से आप लोग भी खा लीजिएगा दोस्तों, जिनको जिनको खाना रहे एक ही है खा लीजिएगा। और देखिए हम लोग खा, रिया जी को हम खिला दे रहे हैं। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, जैसे हम लोग नॉर्मल बनाते हैं चाय। दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।